हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ बथुए और मेथी के पत्ते से पकौड़े बनाने की रेसिपी। तो चलिए इसे अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कटा हुआ बथुआ, मेथी, हरा धनिया। इन सभी चीजों को मैंने अच्छे से धोकर काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच गेहूं का आटा, कटा हुआ प्याज, दरदरा कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। जरूरत हो तो थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करें। इस तरह से तैयार करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे और छोटे छोटे पकौड़े इसमें हम डालेंगे। पकौड़े हमें बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई करने हैं। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, इस तरह से। अब ये बिल्कुल तैयार है, इसे अब हम निकाल लेंगे। देखिए ये तैयार है हमारे बथुआ और मेथी के गर्मा गर्म पकौड़े। एक बार जरूर ट्राई करें, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।